हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बकरी क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे की असल वजह। आज हम आपको इसी टॉपिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हालांकि मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला बकरीद पर्व के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बकरीद क्यों मनाया जाता है? हालांकि मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार यह त्योहार त्याग और बलिदानों का संदेश देता है, इसलिए आपको बता दें इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मुस्लिमों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय द्वारा हजारों वर्षों से मनाए जाने वाले इस पारंपरिक त्योहार में सभी मुस्लिम मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं तथा नमाज पढ़ने के पश्चात खुदा की इबादत के रूप में किसी भी चौपाई जानवर जैसे बकरे की बलि दी जाती है। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय द्वारा इस पर्व को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में बकरीद क्यों मनाई जाती है, इस त्योहार का मुस्लिम समुदाय के लिए क्या महत्व होता है, साथ ही बकरीद कैसे मनाई जाती है तथा बकरीद पर बकरों की कुर्बानी के पीछे की वजह क्या है, आज हम आपको इन सभी टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बता दें, बकरीद जिसे बड़ी ईद के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि मुस्लिम समुदाय द्वारा विश्व भर में कुर्बानी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, अरबी में जिसका मतलब होता है कुर्बानी की ईद। हालांकि इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है यह बकरीद। इतना ही, इन दिन मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित भी होते हैं। आपको बता दें, लाखों की संख्या में मुस्लिमों द्वारा सफेद कुर्ते में ईद की नमाज अदा करने का एक दृश्य शानदार देखने को मिलता है। आपको बता दें, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार वे इन जानवरों की कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अर्थात कुर्बानी के इस त्योहार को मनाने के पीछे विशेष वजह है। आइए आपको बताते हैं बकरीद क्यों मनाया जाता है। मुस्लिम समुदायों का यह मानना है कि हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। आपको बता दें, मुस्लिम समुदायों में बकरीद के इस पर्व को मनाने का विशेष कारण है। हालांकि यह पर्व हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है, पर आपको बता दें, बकरीद के पर्व कुर्बानी देने की यह परम्परा इस्लाम धर्म में काफी पुरानी है। आइए आपको बताते हैं बकरीद की कहानी क्या है। एक बार की बात है, जब हजरत इब्राहिम कोई संतान न हुआ था तो बेहद दुखी थे। आखिरकार कई मित्रों के साथ अल्लाह की दुआ से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। वो बता दें, उन्होंने अपने इस बेटे का नाम इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम अपने इस इकलौते संतान से बेहद प्रेम करते थे, और एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के सपने में आकर उनसे उनकी प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा। अब चूंकि पूरे विश्व में हजरत इब्राहिम को सबसे अधिक लगाव प्रेम अपने पुत्र से ही था, उन्होंने निश्चय किया कि वह अल्लाह के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार है। अतः जब हजरत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए और हजरत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, जब कुर्बानी का समय आया तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली ताकि पुत्र की मृत्यु को अपने आंखों से ना देख। उसको बता दें, जैसे ही हजरत इब्राहिम छुरी चाकू चलाने लगे और उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, इसी वक्त छुरी चलाने के दौरान एक फरिश्ते ने आकर छुरी के सामने इस्माइल के स्थान पर भेड़ की गर्दन को लगा दिया, जिससे भेड़ का सर थर से अलग हो गया और इस तरह इस्माइल की जान बच गई। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अल्लाह द्वारा हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, परंतु इस परीक्षा में भी हजरत इब्राहिम सफल हो गए और तभी से कुर्बानी के लिए चौपाया जानवर का कुर्बानी दिया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं बकरीद का महत्व क्या है। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म में सभी लोगों के लिए बकरीद एक विशेष पर्व है। इस दिन सभी मुसलमानों द्वारा मस्जिद में जाकर नमाज अदा की जाती है तथा नमाज के उपरांत जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिसके पीछे त्याग और बलिदान का संदेश छिपा होता है। यही है बकरीद का असल अर्थ। तो दोस्तों, ऐसा है, आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप अपना फीडबैक हमें कॉमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।